हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ तक ब्लॉग ना मैं आपके साथ शेयर कर चुकी थी। लौकी की सब्ज़ी हम लोग बना रहे थे दही डाल के, जो कि बड़ी टेस्टी बनी थी। मतलब ऐसे तो मैंने नहीं खाई थी क्योंकि हम दोनों की आपस में लड़ाई हो चुकी थी घमासान वाली। तो वो मैंने आपके साथ ब्लॉग भी शेयर किया था, लेकिन इन्होंने ना फ्रिज में रख दी थी जो बच गई थी सब्ज़ी खुद खाने के बाद। तो सुबह मैंने खाई थी, बड़ी टेस्टी बनी थी। और इस तरह से आप भी ट्राई करना, दही के साथ बड़ी टेस्टी बनती है। अच्छा, तो जो लड़ाई हुई थी ना हमारी, उसके बाद ये भी सो गए थे हम। बच्चों को मैंने दूध के साथ रोटी खिला दी थी और खुद खाई नहीं थी, सो गई थी मैं। और इन्होंने पता नहीं 10 साढ़े 10 बजे उठ करके रोटी बनाई, ब्लॉग भी बनाया साथ में। तो वीडियो के जरिए ही मुझे पता चला कि इन्होंने रोटी भी बनाई और ऐसा ऐसा। फिर वो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। और अच्छा, अभी संडे का दिन है, सुबह सुबह मैंने अपना काम निपटा लिए। और यहाँ पर मैं बना रही थी खिचड़ी। इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों को और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इनकी वजह से फिर हम भी नहीं बनाते, घर में वही चीज़ बनती है जो इनको पसंद होती है। तो आज जब हमारी लड़ाई हुई थी, तो जो इनको पसंद नहीं था ना, वो मैंने बनाया, और जो हमें पसंद था वो मैंने बनाया। तो यहाँ पर खिचड़ी बन रही है। देखिए, टमाटर प्याज सब अच्छे से तड़का लगा के, नए वाले जो चावल होते हैं ना वो उसकी बनाऊंगी, और साथ में जो मूंगी की दाल होती है ना, पीली वाली धुली हुई, वो डालूंगी इसके अंदर। तो बड़ी टेस्टी बनती है, बच्चों को स्पेशली दूध के साथ बड़ी पसंद आती है, लेकिन कभी नहीं बनती घर में, बड़ी कम बनती है क्योंकि इनको पसंद नहीं है इस वजह से। क्योंकि आज बढ़िया मौका है, इनको भी जलाएंगे और देखते हैं। मतलब रात को तो इन्होंने बड़ी बड़ी चपाती वगैरह बना दी थी, अभी क्या करते हैं वो देखते हैं। तो बस तड़का मेरी खिचड़ी में लग गया, कुकर को कर दूंगी बंद, 3-4 सीटी आने दूंगी। और तब तक फिर मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए निकल गई। मतलब यहाँ का किचन का सब कुछ हो गया था, बाकी हमारा भी नहा धो करके, संडे का दिन था इसलिए फिर बाकी का ब्लॉग मैंने नहीं शूट किया, क्योंकि हमारी लड़ाई ज्यों की त्यों अभी चली ही थी। इसलिए संडे को कुछ नहीं किया मैंने, बस पूरा दिन बच्चों के साथ स्पेंड किया, उनको पढ़ाया। इसके बाद फिर मंडे का दिन आ गया जी। तब ले लेना बेटा, तब ले लेना फिर से दोबारा। हाइट छोटी रह जाती है, इतना भारी बैग मत पहना करो। हाँ जी, हाँ जी, तू बोला ही कर बस ज़्यादा। ये रात को बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी ना, और झूले से हम लोग ये गद्दियाँ उठाना भूल गए थे, बुरी हाल से गीली हो गई हैं। सुबह उठे, जिसका जो काम था उसने वो काम किया। मतलब जो ड्यूटी इनको दी गई थी ना पहले से, वो इन्होंने किया। जो मेरे काम थे वो मैंने किए। मतलब एक दूसरे के साथ हम डायरेक्टली तो बात नहीं कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे को टॉन्ट जरूर मार रहे थे और अपना काम भी किए जा रहे थे। अच्छा, इसके बाद फिर बात तब हुई, एक्चुअली इनके नंबर पे, मतलब इनको फ़ोन आया दीदी का, मेरी ननद का, कि बोला आज ना, बोले मैंने शॉपिंग करनी है, मतलब जो शादी हो रही है ना उसके लिए, और वंदना को भेज देना बोला मार्केट तक, तो अच्छा रहता, मतलब एक से भले दो। तो मैं वहाँ के लिए मतलब रेडी हो रही थी, तो इन्होंने बस इतना सा मैसेज दिया कि ऐसे ऐसे भी तैयार हो जा और हमने बाज़ार जाना है। फिर मैंने भी कुछ रिस्पांस नहीं दिया और तैयार होने लग गई, तो ये समझ गए कि नहीं, हाँ मार्केट ही जाना है। अच्छा, कल ना एक कमेंट आया था कि बोला ये लोग ओवर एक्टिंग करते हैं और कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई थी इनकी। तो बस ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बोलना चाहूँगी ना, लेकिन हम ठहरे सिंपल से लोग ना, इतना हमें नहीं आता कि कैसे क्या एक्टिंग करें क्या करें। हाँ, नॉर्मली हमारी लड़ाई हो गई तो वैसे ही मैंने आपके साथ शेयर भी कर दी। जब मुझे वीडियो मिला ना, तब मेरे को पता चला कि अच्छा, इन्होंने रात को खाना भी बनाया था। तो मैं कह चलो आपके साथ भी शेयर कर देते हैं, होता है हर कपल में ऐसा हो जाता है नॉर्मली। आज हो रही है शॉपिंग, कितनी शॉपिंग करनी है? आपके लिए हो रही है। आज ना ये बोलते रहते हैं बोला कि मेरी बहन की शादी लगी हुई है, मैं बोला मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं एक ही टी शर्ट पहनता हूँ, जो कि इतने कपड़े हैं लेकिन सच में निकालते हैं सिर्फ एक ही टी शर्ट, बार बार कहीं पर भी जाना है। मेरी वाइट टी शर्ट का है, दो ही क्यों नहीं। और आज मैं क्या, चलो इनके लिए शॉपिंग की जाए, क्योंकि इनकी सिस्टर की शादी लगी है तो ऑब्वियसली, और मेरे पास तो जो घर में है कलेक्शन, देखिए बोलने की बात है कि मतलब मैं बहुत खर्चा करती हूँ, मैं कोई भी खर्चा नहीं करती, सारी कलेक्शन घर पे पड़ी हुई है, वहीं से कुछ देखूंगी और वही फिर निकाल दूंगी पहनने के लिए। और चलिए आपके लिए कर लेते हैं। और शानवी के वो बालियाँ रह गई थी, वो भी लेके आते हैं आज, देखते हैं देखते हैं मतलब अभी क्या क्या होता है, अगर हो पाता है तो। बाकी आप अच्छा उस दिन पूछ रहे थे ना मंगलसूत्र, अभी मैंने लिया नहीं है ना, उस दिन मैं देख रही थी और बन भी गया था बेचारा, लेकिन फिर वो शॉर्टेज हो गई थोड़ी सी,
और कर बंद कर। मैंने सोचा था कि भाई वो होती है ना ईएमआई टाइप में मिल जाते हैं, पर वैसे नहीं मिलता, ये गोल्ड नहीं मिलता ईएमआई में, ऑनलाइन जरूर मिल जाता है। चलो तो फिर ये जा रही है बस, हाँ कर इतना बंद में, कर इतना जल्दी कर दे। ए जी सरका घाट सदोट टीरा की बस आ चुकी है। रोड बहुत कंजस्टेड है यार, बहुत ज़्यादा। चल अच्छा, नंदू का भाई है ये, नंदू बेचारा वहाँ बैठा हुआ है, ये नंदू आज जल्दी कर बंदना। जा रहे हैं मार्केट, देखते हैं मार्केट में क्या पसंद आता है, क्या पसंद आता है क्या पसंद नहीं आता है। आज ये सारी मार्केट उठा के लाने वाले हैं। चलो उठा के ले आएंगे, सर पे ले आएंगे कि ऐसे लाएंगे, देखते हैं जो मिल जाएगा उसको ले आएंगे। पर अभी मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडा ठंडा वाला मौसम हो गया है। और ये चढ़ाई पे ना HRTC की बस जवाब देगी भैया, सारी पुरानी बसें हैं और जो नई नई पता नहीं कहाँ रखी हुई है। अगर ऐसे चढ़ाई में अगर बैक आ गई बस, ये कितने बंदे बैठे हुए हैं, तो मिस हैपनिंग हो सकती है ना ये, तो ये देखना चाहिए। पूरे जितनी भी सारी बसें जहाँ दिल करता है वहीं रुक जाती है, बसों का भी दिल होता है ना। ये देखो ये पीछे अभी चढ़ नहीं पा रही है बस, ये देखो बसों ने भी क्या करना है अभी, इसकी इनकी होगी है ना टाइम। ये देखो पत्थर लगा लगा के इसको चढ़ा रहे हैं ऊपर, बुरा हाल है बसों का भाई। देखिए रिलेशन वही अच्छा लगता है ना, जो रात को लड़ाई हो गई सुबह भूल जाइए, और एटलीस्ट मतलब किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे बीच में लड़ाई हुई थी। और ऐसा ही हमारा भी रिलेशन है, अभी आप बोल सकते हो कि हमारे बीच में लड़ाई हुई थी और हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। नहीं, अभी मतलब मार्केट में आए तो ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। चलिए लड़ाई को मारेंगे गोली, और अभी चल रही है शॉपिंग, मतलब आज ननद के साथ शॉपिंग हो रही है। और जब दो तीन औरतें इकट्ठी हो जाती है ना शॉपिंग करने में, तो मतलब एक दुकान से ये चीज़ पसंद नहीं आई, चलिए अगली देखते हैं, ये चीज़ पसंद नहीं आई चलिए अभी कुछ और ट्राई करते हैं, ये चीज़ बड़ी होती है। तो आज यही हुई, पहले एक दुकान में हम गए, वहाँ पर पसंद नहीं आई चीज़ें, अब यहाँ पर पहुँच गए। तो यहाँ पर भी मेरा, मैं अपना बताऊँ ना, जब मुझे कोई चीज़ लेनी होती है ना, तो जो पहली नज़र में पसंद आ गई बस वही फाइनल है। हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छी चॉइस है आपकी। ब्राइट कलर है औरतें तो औरतें। आज हमने मर्दों को भी शॉपिंग करने में लगा दिया था और सब लग गए थे शॉपिंग करने में। अच्छा जो भी लेना था वो हो गया। इसके बाद अभी हम जा रहे हैं बालों को स्ट्रेट करने। भाई एक कमेंट आया था कि आप अपनी ननद के बालों को स्ट्रेट करवा दीजिए, मैंने सोचा चलो आपकी इतनी बड़ी बात कैसे ना मानूं। तो पहुंच गए भाई हम सैलून जहां पर मैंने अपने बालों को स्ट्रेट करवाया था ना, आज से 2-3 साल पहले शायद करवाया था, तो वहीं पर हम लोग पहुंच गए हैं। और अभी मैं बस इसको दिखा रही थी, ये बोल रही कि अभी पता नहीं बाल झड़ेंगे क्या होगा, मैं क्या कुछ नहीं होता, ये देख मेरे बालों की ग्रोथ कितनी बढ़ गई है। उस टाइम पे मैंने बाल कटवा भी दिए थे। समझने दो, ली मासी जो भी समझने दो, क्या आप क्या कहानी है।
या तो फिर शादी के बाद ही करो, उससे जो कह रही है दोनों पार्टी क्या प्रॉब्लम से भी ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम वो आप देखो मुझे वो टेंशन कुछ स्टैट्यू पर इना कर देना ना दिया बोल के लगातार ले जाना सारा काम करे तुरंत देख ऐसा बोलू मां का जब पर कर पानी नहीं लगाना बिल्कुल भी फिलहाल दो दिन तक तो कुछ नहीं दीदी तो आज फुल मूड में थे कि आज इसके बाल स्ट्रेट कर ही देंगे, लेकिन इनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। एक्चुअली इसके बालों की ग्रोथ बहुत कम है ना, और दूसरा छोटे हैं बाल, तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना था। ये शुभ शिक्षा बनवानी है ना, तो यहाँ पे पढ़ी जाती है शुभ शिक्षा, मतलब जो शादी के टाइम पे पढ़ी जाती है। पढ़ने वाले कौन है? पढ़ने वाली है तनिषा अनुप्रिया। अच्छा अनुप्रिया, ठीक है, इन सब कामों के लिए वो एकदम तेज है ना। चलो कोई बात नहीं, कोई भी हो, छोटी वाली कोई भी अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है, ठीक किस्मत की बात होती है ना, जो है बोले बोले चुप हो देखा नहीं है ये देखा मैंने अंकल ना, अंकल ना आपकी इतनी तारीफ करते हैं ना ये, मैं बोल रही हूँ भी उतनी ज्यादा तारीफ किसी और दूसरे बंदे की नहीं करते होने। यही तो क्या बोल रहे हैं फिर से बोलो। मैं और आजकल हमारा घर कितना साफ होता है ना बाय। हाँ जी, तू वही बोल रही हूँ ना मैं भी, कि अरेंज करना चाहिए ना इसको मेंटेन। रुक के रहने थोड़ी देर, ये नहीं ये तो घड़ी के कावी गिरी रुक के सलाद बना रहा हूँ मैं, बनाओ तो सलाद। बस ये देखो औरतों को घर की कितनी चिंता होती है, मतलब कहीं पर दो घड़ी आराम से बैठ भी नहीं पाती हैं, बस यही चिंता रहती है कि हाँ अभी ये काम रह गया, वो काम रह गया, अभी ये करना है, वो करना है। दीदी भी यही सोच रहे थे, और अभी आप देखना जब गप्पे मारने लग जाती है ना औरतें इकट्ठी होकर के, तो फिर कितना टाइम बीत जाता है ना कोई पता नहीं चलता। अभी देखते रहना आप ब्लॉग आगे। बीमार थी बोले लंच हम लोगों ने किया, और इसके बाद अभी हम लंच कर ही रहे थे तभी को चाचू और वो मासी इनके, वो उन्होंने अब बाहर से आवाज़ लगाई तो ये बैठ गए गप्पे मारने में, क्या मैं आपके लिए चाय वगैरह बना करके लेके आती हूँ। तो ये देखिए मतलब थोड़ी देर पहले अभी बोल रहे थे कि नहीं मेरा ये काम रह जाएगा वो रह जाएगा, अब भी आराम से गप्पे मार रहे हैं यहाँ पे। ये देखो मतलब कितनी देर होने वाली है, ये तो अभी आपको आगे एंड तक पता चलेगा। शादी की तैयारियां हैं तो थोड़ा सा डिस्कशन हो ही जाता है, और चाचू और मासी के पास भी ना और कोई है नहीं संभालने वाला, तो ये हमें बोलते हैं तो हम भी फिर मना नहीं कर पाते, और इसी को तो ज़िंदगी कहते हैं। अगर आपके हाथ में है कोई काम करने लायक तो करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। अच्छा तो इसके बाद फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी आज के